Hello, my dear students. I am Poonam, your social science teacher from Raj International School. Student, we have already covered most of the parts and subtopics of Chapter 4, the Mughal Empire. Now, in this particular video, we are going to wind up. We are going to conclude the things that we had done till now. Okay, come with me. So, we are doing the Mughal Empire, 17th century and after. What was the condition? क्या क्या चीजें हुई मुगल एम्पायर के साथ after in 17th and after 17th century? ऐसी क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नई चीजें लागू हुई, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री प्रोस्पेरिटी. 17th सेंचुरी में जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की जो कामकाज थे और जो मिलिट्री थी, वो बहुत ही अच्छे फल फूल रही थी, प्रॉस्पर थी, खुश थी और समृद्ध थी. वहाँ के लोग, सोल्जर्स, काम करने वाले, वो बहुत ही हैप्पी थे बिकॉज उनको गुड सैलरी मिल रही थी, अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी और रहने खाने का बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थी. और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जस्ट गिवन द नेम ऑफ मुगल एम्पायर एज अ फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स आ रहे थे बाहर से, जो हमारे भारतवर्ष में आ रहे थे, बाहर से दूर देश से आने वाले लोग, जब वो मुगल एम्पायर आते थे तो वो कहते थे एक सपनों की नगरी है ऑफ वेल्थ, पैसा. यहाँ पे पैसा ही पैसा है चारों ओर और यहाँ के लोग इतने खुश हैं और इतना बड़ा एम्पायर इतने आसानी से कैसे चल रहा है. दे यूज टू बी वेरी मिस्टीरियस अबाउट इट. आर्टिसंस एंड पीजेंट्री. आर्टिस्ट जो कला का काम करते हैं, पीजेंट जो खेतीहर मजदूर है, खेती करने वाले किसान, ठीक है, अन्नदाता जिसको कहते हैं. तो ये जो दो पर्सन थे, इनके जो गुड्स थे वो मुगल एम्पायर लेता था. जब हम किसी से चीज़ लेते हैं तो उसको बदले में पैसे देते हैं ना. तो इस वजह से आर्टिजन और पीजेंट्री उस टाइम पे बहुत प्रॉस्पर थे और बहुत ही ज़्यादा इनके जो गुड्स थे वो सप्लाई हो रहे थे इन द मुगल आर्मी एंड इन द मुगल एम्पायर. ठीक है. अब इनकी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, चीज़ें ज़्यादा बिक रही थी तो इनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था. तो ये बेनिफिट दो पीपल कौन हुए थे मुगल एम्पायर में, द मोस्ट बेनिफिट पीपल वर आर्टिसन एंड पीजेंट्री. ठीक है. वेल्थ एंड रिसोर्सेस ऑफ मुगल एलाइट. जो वेल्थ थी, पैसा और स्रोत, स्रोत क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होते हैं, जहाँ से आ रहा है पैसा, ऑफ मुगल एलाइट. एलाइट इज अ क्लास जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होती है, रिच होती है, पावरफुल होती है, उनकी अच्छी डोमिनेंस रहती है अपनी प्रजा पे. तो जो मुगल के एलाइट पर्सन थे उन पे क्या थे, बहुत सारे पैसे थे और उनके पास स्रोत ज़्यादा थे पैसा इकट्ठा करने की. और मैं बहुत ही बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुगल एम्पायर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज पीजेंट्री एंड पीजेंट प्रोड्यूस. जो भी खेती और मजदूर थे, जो किसान थे, उनसे जो चीज़ें मिलती थी वो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते थे किसके, मुगल्स के. ठीक है. तो जो वेल्थ और रिसोर्सेज थे मुगल के, जो पावरफुल लोगों के, रिच लोगों के, अच्छे डोमिनेंट लोगों के, वो उससे वो क्या बनते जा रहे थे, पावरफुल बनते जा रहे थे. कौन सी सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में. कौन सी सेंचुरी में, 17th में. समझ में आ गया आपको, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पावरफुल रूलर को चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो पावरफुल हो रहे थे. यू नीड टू रिमेंबर द सेंचुरी. ठीक है. समझ में आया कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ. इधर भी देखें, सर्वेंट जो थे, इनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, चाहे वो छोटे थे, चाहे बड़ी अच्छी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे थे या इकोनॉमिकल डेजिग्नेशन कोई अच्छा सा था, वो क्या कर गए, मूव ऑन कर गए फ्रॉम द मुगल एम्पायर. बेसिकली बंगाल और अवध में चले गए. ठीक है. बंगाल और डिस्टेंट प्लेसेस पे चले गए. ठीक है. उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टीज फॉर्म कर दी. क्या हो गए, वंस दे आर अपार्ट फ्रॉम मुगल एम्परर, स्टिल दे वर अ पार्ट ऑफ लॉयल पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर स्टिल. और वो सबको कहते थे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज मुगल एज देयर मास्टर. उनसे जब पूछा जाता था कि आप कहाँ से आए हो, आप इंडिपेंडेंट डायनेस्टी हो, खुद से राज कर रहे हो, आपका खुद का सूबा है, खुद की प्रोविंस है, बट स्टिल दे यूज टू टेल कि उनके मास्टर दिल्ली से हैं,
तो आप सोचो, आप मतलब एक तरह से आप सिफारिश लगा रहे हो, आप किसी को एज अ इमेज दिखा रहे हो कि वी दे बिलोंग, दे पर्टिकुलर पीपल बिलोंग टू मुगल एम्पायर, उनका इतना रुतबा था, उनका इतना फेम था, ठीक है। तो वो कहते थे हम मुगल से बिलोंग करते हैं, मुगल एम्पायर से हम लोग बिलोंग करते हैं जो कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में जो राज कर रहा है प्रेजेंटली, ठीक। इन 18th सेंचुरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, 18th सेंचुरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, नए नए लोग जो क्या कर गए, मूव ऑन कर गए, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कर गए, खुद के ही अपने अपने दल बनाने लग गए, खुद के ही ग्रुप्स बनाने लग गए, छोटी जगह पे राज करते थे, बट वो उतनी जगह में ही उनका क्या रहा था, रुतबा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश लोग रहते थे उनकी प्रजा उनसे, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर जगह थी उनकी, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा है मुगल एम्पायर और 17th सेंचुरी में और उसके बाद उनकी कंडीशन कैसी रही, एक बार दोबारा से जल्दी से रिकैप करेंगे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, प्रॉस्पर थी, खुश थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनको बेनिफिट मिल रहा था। और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने क्या कहा है मुगल एम्पायर को, अ फेबल्ड प्लेस ऑफ वेल्थ, पैसे वाली जगह, आर्टिसंस एंड पीजेंट्री को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, उनका प्रोड्यूस जो है, उनकी जो उत्पादकता है, जो उन्होंने उत्पन्न किया है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो उन्होंने बोया है, वो ज्यादा मात्रा में बिक रहा था। एंड वेल्थ एंड रिसोर्सेस ऑफ मुगल एलाइट, वेल्थ और रिसोर्सेस थे जो मुगल एलाइट के पास, वो चीजें उनको पावरफुल बना रही थी 17th सेंचुरी में। अब जब वो पावरफुल होते जा रहे थे, तो उनके सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, दूसरी साइड मूव ऑन कर रहे थे, दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द मुगल आर्मी, बट स्टिल दे वर थिंकिंग दैम एज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर स्टिल, ठीक है। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी, इंडिपेंडेंट सब चीज, इंडिपेंडेंट एम्पायर, इंडिपेंडेंट प्रोविंस, सब कुछ स्थापित कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, फाउंडेशन रख दी, स्टिल दे वर हैप्पी टू बी कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। और अपने दिल्ली वाले अपने मुगल एम्पायर को क्या कहते थे, मास्टर, कहाँ पे, दिल्ली से हैं। और 18th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट रूलर्स बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर, वी हैव रेड अबाउट सो मेनी थिंग्स अबाउट द पॉलिसीज ऑफ अकबर, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, वी हैव रेड ऑल्सो द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ टोडरमल, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो रिगार्डिंग दीज टू पेजेस, आई एम गोइंग टू गिव यू वर्कशीट, एंड इफ यू फील एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन कॉल मी बैक, यू कैन रिवर्ट मी बैक ऑन माई नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।